हुए आप देखिए 70 वर्ष एक तरफ, कोई भी प्रधानमंत्री जो 5 वर्ष के अंदर इतने ज़्यादा दौरे किए किसी ने जम्मू कश्मीर के अंदर, परंतु जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दौरे आप देखेंगे तो आउट नंबर्ड होंगे, वैसे ही सभी कैबिनेट मंत्रियों का। तो ये संजीदगी और सेंसिटिविटी शो करता है कि केंद्र की सरकार की जो सेंसिटिविटी है टुवार्ड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो बहुत अधिक है, और हर वर्ग के साथ मिलना, हर वर्ग के साथ बातचीत करना, उनके साथ हमेशा संवाद करते रहना है, चाहे सत्ता में हो या सत्ता में ना हो। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य संस्कृति के अनुसार काम करती है। बीजेवाईएम के नेशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्य जी जो हैं वो आज जम्मू कश्मीर में आए हैं और भव्य स्वागत भी किया गया। एक बड़ी रैली जो है एयरपोर्ट से लेकर भाजपा के कार्यालय तक पहुंची, उसके बाद उन्होंने यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। हमारे साथ है जम्मू कश्मीर की बात करें अरुण देव जी हैं और युवा मोर्चा ने संभाली रखी है, कमान इनके हाथ में है। अरुण जी, क्या अब वो बिगुल बज चुका है कि अब आने वाले दिनों में लोग देख रहे हैं कि लोकल बॉडी और पंचायत के इलेक्शंस भी देख रहे हैं, म्यूनसिपल इलेक्शंस भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि युवा ब्रिगेड ने जो है बिगुल बजा दिया आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जो है 365 दिन चुनावों के लिए तैयार रहता है, और भारतीय जनता पार्टी केवल बाहर के हिसाब से जिस तरीके से काम किया जाता है, बाकी राजनीतिक दलों का ये संस्कार होंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर 365 दिन काम करने की एक कार्य संस्कृति है, और 365 दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, चाहे वो सेवा का कार्य हो, चाहे वो सरकार बनाने के लिए कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक कोई कार्य हो, उस तरीके से कार्य करता है। परंतु भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस तरीके से कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक से और उससे पहले जनता पार्टी या 1953 से प्रजा परिषद जनसंघ के माध्यम से यहाँ पर काम करती थी, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सदैव संघर्ष करते हुए यहाँ पर सड़कों पर और गलियों में आंदोलन लड़ते हुए दिखता था। परंतु आज जिस तरीके से 2014 से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो भारत की सरकार है वो जन जन को छूने वाली नीतियों के माध्यम से लाभ देने का काम कर रही है, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उन लाभों को हर व्यक्ति तक पहुँचाने का काम कर रहा है, और जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ और सशक्त करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि 2014 के बाद एक हर एक वर्ष वो अपने सरकार का ब्यौरा, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, आज 9 वर्ष पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से सरकार ने 9 वर्ष में जो काम किए हैं, उन कामों को जन जन तक लेकर के जाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त कई कैबिनेट मंत्री भी जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों का, दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा किए और लाभार्थियों के साथ और जनमानस के साथ मिले। आज युवा मोर्चा के आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद के अंदर भी युवाओं के मुद्दों को लेकर के समय समय पर आवाज़ बुलंद करते हैं, आज हम लोग गौरवान्वित हुए हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और आम युवा वर्ग बहुत उत्साह में हैं कि यशस्वी अध्यक्ष जी का जो प्रवास है वो जम्मू के अंदर यहाँ पर हुआ, और जिसके निमित्त कई महाजनसंपर्क अभियानों में वो हिस्सा लेंगे, और अभी जो जनसभा उन्होंने संबोधित की जिसमें हज़ारों की तादाद के अंदर नौजवान यहाँ पर बाइक रैली के माध्यम से उत्साह के साथ जिनका स्वागत किया, और वहीं पर रैली युवा उद्घोष रैली का जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो संबोधन किया उसको अक्षरशः सुनकर के कार्यकर्ता उसका पालन करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओपोजिशन लगातार ये सवाल पूछते आ रही थी कि अब चुनाव कब होंगे, चुनाव कब होंगे, कब भाजपा करवाएगी, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों का एक के बाद एक दौरा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, अभी अमित शाह जी की बात करें वो यहाँ पर आए थे, राजनाथ सिंह जी जो यहाँ पर आए थे, तो ये मान के चलें कि अब अमरनाथ यात्रा के बाद ये जो बिगुल बजाकर बैठी है भाजपा, तैयारियां कर ले ऑपोजिशन भी इलेक्शन की? ऐसा है कि तैयार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावों के लिए तो तैयार है, परंतु ये अल्टीमेटली मैंडेट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है वो समय समय पर इसी कार्य संस्कृति में चलते हुए, जब संगठनात्मक कार्य करती है तो इसी संस्कृति के साथ काम करती है, और जब सरकार में रहती है तो उसी संस्कृति का पालन करते हुए, आप देखिए 70 वर्ष एक तरफ, कोई भी प्रधानमंत्री जो 5 वर्ष के अंदर इतने ज़्यादा दौरे किए किसी ने जम्मू कश्मीर के अंदर, परंतु जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दौरे आप देखेंगे तो आउट नंबर्ड होंगे, वैसे ही सभी कैबिनेट मंत्रियों का। तो ये संजीदगी और सेंसिटिविटी शो करता है कि केंद्र की सरकार की जो सेंसिटिविटी है टुवार्ड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो बहुत अधिक है, और हर वर्ग के साथ
मिलना, हर वर्ग के साथ बातचीत करना, उनके साथ हमेशा संवाद करते रहना है, चाहे सत्ता में हो या सत्ता में ना हो। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य संस्कृति के अनुसार काम करती है और उसी का ये उदाहरण है। युवा दल का भविष्य है और युवा ब्रिगेड ने भी कमर कस ली है। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक उम्मीद होती है युवा ब्रिगेड से, आम जनता को भी, आम पब्लिक को भी, उसको लेकर तत्पर तैयार है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम जो हो रहे हैं युवा ब्रिगेड की तरफ से, कहीं ना कहीं हलचल ऑपोजिशन के खेमे में भी है। युवा बिल्कुल तैयार है और युवा भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनकी युवा केंद्रित नीतियों के साथ है। और युवा केंद्रित नीतियां जो ये युवा सरकार का नेतृत्व, जिसका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो युवाओं को छूने वाली नीतियां हैं, युवाओं को बेनिफिट देने वाली नीतियां हैं। वो स्टार्टअप का दौर देखिए, 2014 से पहले कहां 100-200 स्टार्टअप हुआ करते थे, वहीं पर आज 1,00,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और 125 से अधिक यूनिकॉर्न्स के माध्यम से एक सेल्फ सस्टेन्ड एक एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम क्रिएट किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से। और आज भी आप एक भी सरकारी और या किसी भी मंत्री के ऊपर एक भी आक्षेप पिछले 9 साल में नहीं लगा, ये कार्य संस्कृति दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व का दर्शाता है कि कोई भी ऑपोजिशन चाहे जितना मर्जी लामबंद हो जाए, परंतु भ्रष्टाचार के मोर्चे पर वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर नहीं पाई, एक भी मंत्री के खिलाफ आक्षेप नहीं कर पाई। तो हमारे साथ अरुण जी से और साफ तौर पर ने कहा कि देखिए भाजपा जो है वो इलेक्शन के लिए 24 घंटे तैयार है और अपोजिशन जो काफी दिनों से कहते थे कब इलेक्शन होंगे, कब चुनाव होंगे, और जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ अमित शाह जी जो है वो यहां पर जम्मू में आए थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उनका दौरा जम्मू कश्मीर में हुआ, हालांकि कुछ ही दिनों की बात करें तो अमरनाथ यात्रा की जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, तो उसके जाने के बाद खत्म होने के बाद क्या अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव या फिर पंचायत के इलेक्शन की बात करें या फिर जीएमसी के इलेक्शन की बात करें, शायद वो दिन जल्दी ही आने वाला है। देखते रहिए चैनल वन इंडिया, राहुल खत्री नमस्कार।